स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई आज आएंगे जयपुर। रात 11 बजे फ्लाइट से पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। गोगोई 31 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वहीं 28, 29 और 30 अगस्त को गोगोई बैठक लेंगे और 31 अगस्त को उदयपुर में ये बैठक लेंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसी सचिव डोटासरा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे गौरव गोगोई। तो यहाँ पर 28, 29 और 30 और 31 लगातार कार्यक्रम और 11 बजे की ये फ्लाइट है जब 11 जयपुर यहाँ पर पहुंचेंगे रात के, यानी अब 31 अगस्त को उदयपुर में गौरव गोगोई बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तमाम बड़े दिग्गज इसी दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूती से आगे और बढ़ना है, वहीं पर राजस्थान में आने वाले विधानसभा के चुनाव है और कैसे लोकसभा को लेकर भी तैयारियों को लेकर यहाँ बातचीत की जाएगी। लेकिन आप सबसे बड़ी जानकारी, गौरव गोगोई राजस्थान के दौरे पर। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, गौरव गोगोई 31 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, 28 से लेकर 31 जो है ये समय सबसे बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार चयन प्रक्रिया कह सकते हैं कि अब अपने अंतिम दौर में आने वाली है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी है, अब वो फील्ड में उतरेगी। गौरव गोगोई आज रात 11 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे और कल से पीसीसी वॉर रूम में वो 3 दिन बैठक लेंगे। और पहले दिन जो वरिष्ठ नेता सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी, और 29 अगस्त को अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के जो सीनियर लीडर है उनके साथ पीसीसी वॉर रूम में बातचीत करेंगे, और 30 अगस्त को भरतपुर, जोधपुर, कोटा और पाली संभाग के सीनियर लीडर्स के साथ गोगोई बैठक करेंगे। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य भी मौजूद रहेंगे, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 31 अगस्त को गोगोई जिलों की नगरी उदयपुर जाएंगे और वहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी उदयपुर संभाग के जिलों के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही दावेदारों से मिलेंगे, उनसे बायोडेटा भी लेंगे कि किस तरह 3-3 नामों के पैनल तैयार करना है, किस तरह उम्मीदवारों का चयन करना, ये तमाम काम स्क्रीनिंग कमेटी के जिम्मे रहेगा। और 31 अगस्त के बाद गौरव गोगोई दिल्ली चले जाएंगे और फिर उनका काम होगा 3-3 नामों का पैनल तैयार करना। और कह सकते हैं कि अब कवायद बहुत तेज यहाँ पर हो चुकी है और सितंबर में पूरी उम्मीद है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की 1 या 2 लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल दिनेश, तो अब जब उनकी फ्लाइट जब रवाना होगी तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जब आएंगे जयपुर तो उसके बाद जो है मीडिया से भी मुखातिब जरूर होंगे वो, और कुछ ना कुछ जो बातचीत है वो निकल के सामने आएगी। लेकिन जो बैठक है सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है उदयपुर में, जब ये बैठक लेंगे तो तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए।